को सजाने के लिए और कुछ खाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो गाइस आप ये बड़े बड़े से पार्सल देख सकते हैं, इनको देख के मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो ये देखिए मैं अभी इनको अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये तीन जो बड़े बड़े से पार्सल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या निकाल रही हूँ, ये मैंने एक बहुत ही नया सा कुछ बड़ा सा अपने घर के लिए लिया है और एक मेरे साइड में रखा हुआ है प्लांट। आप देख सकते हैं फेक प्लांट है, इंडोर प्लांट है। तो उसके बाद ये है कुछ ग्रॉसरी, तो उसमें मैंने ये विम जेल ख़त्म हो रहा था ये मंगाया है, पोहा है एंड ये है तेज पत्ते और ये है रस, तो ये इसमें से निकला है। और एक और में से देखते हैं कि एक और में क्या है, और कुछ मतलब ऐसे खुले में आया हुआ था। तो ये देखिए ये है राइस, तो राइस ख़त्म हो रहे थे, इन्होंने इंडिया गेट का मोगरा राइस मंगाया है, तो ये सारा सामान आया है। बस यही शूट किया था 3 तारीख को, मैंने 3 तारीख को रिसीव हुआ था, अभी हो गया है नेक्स्ट डे। तो आज मैंने नंबर लगाया है लिविंग रूम को क्लीन करने का, तो बस सारा सामान उठा के मैंने अभी रख दिया है और जो ग्रीन वाला कारपेट डला हुआ था उसको मैंने बाहर बालकनी में डाल दिया है। यहाँ पे सारे के सारे जाले हटा दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी और क्लीनिंग मेरी हो गई है। मैंने डिटेल में नहीं शेयर किया क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सफाई ही दिखाती रहती हो, सफाई दिखाओ तो दिक्कत, ना दिखाओ तो दिक्कत। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, जस्ट हेयर वॉश किए हैं, तो सबसे पहले मेरा काम होता है थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर वगैरह कर लेना, क्योंकि फिर अगर काम में बिजी हो जाते ना फिर ये सब रह जाता है, इसलिए हाथों हाथ कर लो तो सही रहता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की डेट मैं आपको बता देती हूँ, 4 मार्च और आज है फ्राइडे। तो मैंने अपना हेयर वॉश किया है, तो बस अभी सुबह सुबह मैंने अपना जो फेस पे क्रीम वगैरह लगा लिया है, तो बहुत सारे कमेंट आएंगे इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैंने अभी क्या क्या लगाया है। तो ये तो मैंने लगाया है बायोडर्मा का सनस्क्रीन है, ठीक है, ये मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छा है ये। एंड फिर मैंने लगाया है न्यूट्रीड्रम का मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई, ये दो चीज़ें मैं डेली में लगाती हूँ। एंड लिप्स को मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया है, ये मैंने लिप बाम लगाया है, ठीक है, बेबी लिप्स। और इसके बाद मैंने लगाया है सिंदूर जो कि है कलर बार का है ये, जी हाँ कलर बार का है, रेड कलर है ये, सिंदूर लगाया। उसके बाद अभी मैं लिप्स पे थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ये लगाऊँ कि मैं क्या लगाऊँ, ये जो मेरा न्यू वाला है वो लगाऊँ कि ये क्रियॉन लिपस्टिक लगाऊँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, इसको ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ऑलमोस्ट देखो कितना फेमस भी हो गया है, ये देखो इसको मैं बहुत लगाती हूँ, बट अभी मेरा मन नहीं है इसको लगाने का, डेली सेम लगाना अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये लगाती हूँ, बहुत ही लाइट है, हल्का सा पर्पल शेड है ये, लैक्मे का है, ये लैक्मे का है, शेड नंबर बता देती हूँ आपको, बहुत लोग पूछते हैं 9 नहीं 16 है जी, हाँ 16 है, पर्पल पॉट करके इसका नेम है। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंडियन यूट्यूबर शुरांजलि को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी मैं बालकनी में आ गई हूँ, थोड़ा सा अपने बालों को ड्राई कर लेती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करती हूँ। और मैं एक बात आपको बताती हूँ कि अब मेरा हेयर फॉल नहीं होता है, जब से मैंने अपना हेयर कट लिया है और थोड़ी सी अपने बालों की केयर की है, तो अभी मेरा हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक गया है। लेकिन पहले तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था मेरा, पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ मुझे बाल ही दिखते थे। तो बस यहाँ पे अभी अपने जो घर के काम है वो स्टार्ट करूँगी, स्टार्ट तो है ही। तो ये देखिए मैंने आटे का जो डब्बा है उसको क्लीन किया था, जब भी इसमें आटा ख़त्म हो जाता है ना तो मैं इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। आटा पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अलग से जो कट्टा होता है ना उसमें रखा हुआ है आटा, जो आटे वाला जिसमें आटा आता है ना उसमें रखा हुआ है बोरे में, तो उसको मैं बाहर सूखने के लिए रख देती हूँ, जब ये सूख जाएगा फिर इसमें भर दूँगी। तो खाना बनाने के लिए मैं बालों को बांध लेती हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले राइस बनने के लिए रख देती हूँ, राइस बनते रहेंगे
तब तक मैं यहाँ पे चॉपिंग भी कर लूँगी। तो मैं इसी तरीके से राइस बनाती हूँ। पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, नमक डाल के यहाँ पे राइस मैं धुल लेती हूँ। तो यही बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि सुबह हमने सब्जी पराठा खा लिया था तो हैवी हो गया था। तो अभी बस बहुत लाइट खाने का मन है, ये भी आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं लेट ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल के लिए मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा तड़का वाली जो प्याज दाल होती है ना, वो खाने का मन है। वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ प्याज लहसुन की दाल वगैरह, जब मन होता है तभी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल रख दी है मैंने हल्दी नमक डाल के, यहाँ पे चावल रख दी है मैंने, और चावल पक जाएंगे फिर मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूँगी ना। तो ऐसे ही मैं चावल बनाती हूँ, इससे ना चावल का जितना भी स्टार्ट होता है, मांड होता है ना, वो निकल जाता है, तो खाने के लिए भी सही रहता है। मांड वाला चावल अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, धनिया वगैरह सब कुछ निकाला, इनको चॉप किया। तो ये है मेरी दाल का तड़का, जो कि छोटे से बर्तन में मैंने लगाया है। बहुत ही बढ़िया तड़का बनके तैयार हुआ है, दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये गया दाल में, और बस इसमें एक बॉईल ले लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ, क्योंकि दाल ठंडी हो जाती है तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, और चावल के साथ में थोड़ी पतली दाल ही अच्छी लगती है। तो इसमें बॉईल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँ। ये देखिए हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। तो गाइस लंच मेरा बन गया है, और बस अभी ये आ जाएगी, अभी बज गए हैं दोपहर का एक से ऊपर ही हो गया है। तो बस इन्होंने बोला था कि मैं 1 या 1.5 बजे तक आ जाऊँगा, अभी 1 से ऊपर ही हो रहे हैं, आने ही वाले हैं। तो गर्मा गर्म लंच तैयार है। और हाँ, ये मुझे अभी रिसीव हुआ है कि मैंने मंगाए थे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो कि ऑनलाइन मंगाए हैं। मुझे ना अच्छा वाला पिस्ता चाहिए था, मैंने मार्केट में देखा, मुझे वो अच्छा पिस्ता नहीं मिल रहा था। मतलब जो ग्रीन कलर का निकलना चाहिए अंदर से, जब भी हम गार्निशिंग वगैरह करते ना, सब मतलब छोटा छोटा सा येलो टाइप आ रहा था वो। तो फिर मैंने सर्च किया कि मुझे अच्छा सा पिस्ता चाहिए, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है। 250 ग्राम है इसमें, और ये डब्बे के साथ मुझे मिला है पिस्ता। और इसमें है क्या है इसमें, इसमें ये काजू है, ये काजू। अभी होली आने वाली है ना, तो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से खत्म हो रहे थे, बादाम रह गई है। मैंने इनको बोला था बादाम, बोला अरे तुमने कब बोला था कि बादाम भी मंगाना है, मैंने बोला कि मैंने बोला था आपको याद नहीं है, इसमें है किशमिश। तो काजू, किशमिश और पिस्ता आया है, मखाने रखे हैं, और जो गरी होती है वो भी रखी है, नारियल। बट मेरे पास अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बादाम थोड़े से पड़े हैं, बट अभी मुझे वो भी मंगाने हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, इस बार फिर अमेजोन से मंगाया मैंने। तो इसको मैं रख देती हूँ। रिसीव हुआ था, चेक किया इन्होंने, किया था चेक, मैंने नहीं किया, खाके भी देखा था थोड़ा सा, अभी रख देती हूँ इनको। और मैं ना ड्राई फ्रूट्स हमेशा ना फ्रिज में स्टोर करती हूँ, तो फ्रिज में क्या होता है ना, कभी भी आपके ड्राई फ्रूट्स में सी स्मेल नहीं आएगी, और कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो मैं फ्रिज में ही नीचे वाला जो मैंने कर रखा है, वहाँ पे मैं सूजी को, मैदे को और ड्राई फ्रूट्स को, इनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। गए हैं, क्योंकि मुझे आवाज़ आ जाती है इनकी इस वाली विंडो से, ये ना गुनगुनाते हुए आते हैं, और ये आए और लाइट भी चली गई। तो अभी कम लाइट है, इन्वर्टर की लाइट ऑन है, गेट खोल देते हैं। साहब आ रहे हैं, हेलो करो। हेलो, अब ये मत पूछना कि पेपर कैसा है। क्यों? क्योंकि पेपर तो अच्छा ही आता है। अच्छा ही जाता है हमेशा, लेकिन सच्चाई रिजल्ट बताता है ना। चलिए, तो उसी का वेट करें, वही बताएगा, आप नहीं बताओगे हैं? नहीं। ओके।
तो ये देखिए, ये मैंने लंच इनका लगा दिया है, दाल चावल, और इनको दाल में चाहिए घी, घी के बिना दाल इनको अच्छी नहीं लगती है। साथ में आलू गोभी शिमला मिर्ची की सब्जी है, और बस ये था लंच। और एक पराठा रखा हुआ था जो कि मैंने रख दिया, ये खाएंगे तो ये खा लेंगे, नहीं तो मैं खा के ख़त्म कर दूँगी। ये साथ में सैलेड भी है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो इवनिंग हो गई है, मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ अभी, और बाहर अंधेरा हो गया क्योंकि मैं सो ही लेट थी, आज मुझे नींद आ रही थी। बहुत कम सोती हूँ दिन में मैं, तो आजकल पता नहीं क्यों दिन में नींद आने लगी है। जब मैं दिन में सो जाती हूँ तो मेरे सारे काम रह जाते हैं ना। अभी मैं बना रही हूँ चाय, जिससे एक अच्छी सी कड़क सी चाय बनाऊँगी, जिससे अच्छे से मतलब रिफ्रेश हो जाएं और फिर से अपने काम स्टार्ट करें। तो ये है, सो के उठी हूँ, बालों को कॉम किया, मैं ऐसे ही सो गई थी, बाल जैसे ड्राई हुए वैसे सो गई थी, मेरी लिपस्टिक निकल गई है। चलो अभी मैं चाय बनाती हूँ। ये भी ना पेपर दे के आए हैं, तो इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद बीच फिर से चले गए थे और मैं सो गई थी, फिर बीच में इन्होंने मेरी नींद ख़राब की है, फिर ये भी सो गए, तो मैं जागती रहती तो ये भी मुझसे बात बात करते रहते, मैं सो गई तो फिर ये भी सो गए, तो अभी ये भी सो रहे हैं, इनको भी उठाऊँगी, चाय दूँगी, फिर मिलती हूँ। अभी मुझे रिप्लाई करना है कुछ कमेंट का, तो अभी मैंने क्या कहते हैं शिवरात्रि वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग किसी की पूजा पाठ को लेके और किसी की आस्था को लेके भी हेट कमेंट कर सकते हो इतना। मतलब मैं नहीं सोच रही थी आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने मुझे इस तरह के कमेंट किए हैं मैं वहां पर रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये गिर रहे हैं, इनको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे उनका नाम भी लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कमेंट आया है, ब्लॉगिंग के चक्कर में इतनी जल्दी मंदिर, आप ये बताइए, अगर मुझे ब्लॉगिंग तो मैं डेली करती हूँ, कोई स्पेशल मैंने शिवरात्रि वाले दिन तो की नहीं होगी, अगर मुझे ब्लॉगिंग के चक्कर में जल्दी उठना है तो मैं डेली ही जल्दी उठ के पूजा पाठ करूंगी ना, आपको दिखाऊंगी ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो ये इनका ये कमेंट आया था। नेक्स्ट कमेंट मेरे पास, पहले मैं आपको कमेंट बता देती हूँ सारे। वंदना वर्मा जी हैं, इतनी भी जल्दी क्या थी, आधी रात को ही पहुंच गए भोले बाबा को जल चढ़ाने आप। आधी रात कहाँ थी, 4 बज गए थे, और आपने देखा होगा कि पहले तो पता 4 बजे लोग उठ जाया करते थे अपने घर के काम करने के लिए, तो पूजा पाठ के लिए मैं 4 बजे चली गई तो क्या हुआ। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो 4 बजे ही गई थी, लोग बाग तो सो ही नहीं है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। कोटेश्वर मंदिर पे रात को 12 बजे से ही मेला लगे, 12 बजे से मेला नहीं, मेला तो पहले से ही लग गया था, बट 12 बजे से लोग बागों ने लाइन लगा ली थी, पूरी रात सोई नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने के लिए। हम तो फिर भी 1-2 घंटे सो लिए थे, और मुझे पूजा पाठ करनी थी, मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे तो जाना ही था पूजा करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना कि मैंने ब्लॉगिंग के चक्कर में जल्दी उठी, जल्दी काम किए और जल्दी मैं क्या कहते चली गई। इसके ऊपर भी कमेंट आया था मेरे पास, इनका आया था। हाँ, तो मतलब मेरा ये है कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, तो मतलब उनको इस तरीके के कमेंट करने हैं मुझे, कहीं ना कहीं जिसको हेट कमेंट करना होता है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं से खोज ही लेगा, ठीक है। और कुछ भी आप कितना भी अच्छा करो, वो इतना सा जो है ना उसमें बोल ही जाएंगे, उनको वो किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि शायद आप पूजा पाठ नहीं करते हो और आपको नहीं पता, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ पूजा पाठ में, ठीक है। तो एक और कमेंट आया है, उन्हीं का आया है ये, हे भगवान व्रत में इतना खाना खाती हो, इतना तो डेली भी नहीं बनाती हो, खाने के लिए इतना खाया तो फिर व्रत किस बात का, ऐसा मेरा मानना है। मैं वहां पे आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, आने वाले टाइम में नवरात्रे आ रहे हैं और भी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, इतना मैं चाहती तो सिर्फ 1-2 चीज बना के खा सकती थी, और आपको पता है कि मीठा तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैंने फ्राइडे का व्रत रखा था तो मैं अपने लिए फलाहार बनाती ही नहीं थी, तो मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप रेसिपी भी शेयर किया करो, तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। मैं उनको नहीं बोल रही जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं, मैं उनके लिए मेहनत करती हूँ। ये जो 1-2 इक्का-दुक्का आते हैं ना हेट कमेंट करने के लिए, इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए यहाँ पे रिप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मैं सबको बता पाऊं। उनका कहने मतलब ये कि इतना बनाया इतना खाया, पहली बात तो बनाने में कितनी मेरी मेहनत लगी होगी, खाने में तो मेरा 2 मिनट का भी मन नहीं लगा, क्योंकि मीठा मुझसे खाया नहीं जाता है। फ्राइडे की बात करती थी तब भी मैं मीठा नहीं खाती थी, आपको पता है,
क्योंकि मीठे मीठे से मेरा पेट भरता नहीं है और इतना मन भी नहीं करता। जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन तो और भी मन नहीं करता। मैंने बनाया था सिर्फ और सिर्फ, मेरे हस्बैंड जी का भी व्रत था तो मुझे फैमिली के लिए तो बनाना ही है, चाहे हम लोग खाएं चाहे नहीं खाएं। और मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो एक चीज आपको दिखाऊंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पूरी थाली बनाऊंगी, पूरी थाली दिखाऊंगी तो अच्छा भी लगेगा, आपको भी आइडियाज मिल जाएंगे कि हाँ नवरात्रि में हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी खा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं वहां पे रेसिपी शेयर करती हूँ, पहली बात आपको बता देती हूँ और फिर मैं खाऊं नहीं खाऊं आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। व्रत है तो व्रत खाने, ऐसा तो भगवान नहीं बोलते कि भूखे रहो मतलब खाली पेट मेरी पूजा पाठ करो, भूखे मरो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा तो वो बोलते नहीं है। अपने श्रद्धा से करो, जो भी करो, सुबह उठो, शाम उठो, दोपहर उठो, कभी भी उठो, उनकी पूजा अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। वो बोलने तो आ नहीं रहे हैं, मेरी आस्था है, मेरा मन है, मैं जाऊं नहीं जाऊं। तो आपको इस तरीके कमेंट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से पूजा के, पूजा पाठ के लिए। आप और जगह भी मुझे बोल सकते हो, ठीक है। और भी कमेंट आए हैं, उन्हीं के आए हैं। हाँ, आप 4 बजे घर की साफ सफाई करके गई थी कि नहीं गई थी? अब देखिए, मैं अपने घर की सफाई करूंगी तो वो मेरे लिए है, नहीं करूंगी तो भी वो मेरे लिए है। मैं मंदिर गई थी, मंदिर से आके सीधा मैंने भगवान जी की पूजा की थी, तो मैं भगवान जी की पूजा अपने बासे घर में तो करूंगी नहीं, साफ सफाई करके ही करूंगी ना। तो ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मुझे चिंता करनी है ना। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो कि गई थी कि नहीं गई थी? और कोई तो आएगा नहीं मेरे घर पे साफ सफाई करने के लिए, और नहाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद तो मैं झाड़ू पोछा करूंगी नहीं अपने घर में। तो मैं नहीं चाहती कि आपको मतलब बिल्कुल प्रॉपर दिखाऊंगी, देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, देखो मैं पोछा लगा रही हूँ, जब मेरा मन करता है तभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी जल्दी जल्दी में मैंने कहा भी था कि इतनी जल्दी में मैंने झाड़ू पोछा, क्योंकि इतना गंदा मेरा घर रहता नहीं है। और मुझे पता था कि कल मुझे जल्दी उठना है तो मैं रात को ही समेट के सोई थी, बस सो के उठी हूँ, मैंने सीधा झाड़ू उठाई, मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी, झाड़ू उठाई, सीधा झाड़ू और पोछा लगा के और नहा के सीधा हम लोग मंदिर चले गए थे। तो मुझे किसी ने क्या कहते हैं बोला था कि सुबह 4 बजे उठ के अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते तो उससे शुभ की बात मतलब कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरी किस्मत से भोले बाबा जी को पहली बार मतलब पहला जल चढ़ाने का मौका मिल पाया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ इसमें, और आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, बताओ मुझसे पहले, आप बोल रहे हो आधी रात को, मुझसे पहले 3 बजे पंडित जी ने मंदिर खोल दिया था, बताओ पंडित जी ने कितने बजे आया होगा और कितने बजे वो मंदिर में आई होंगी। 3 बजे उन्होंने मंदिर खोल दिया था, 2:45 बजे, और मुझसे पहले 4 लोग वहां पे जल चढ़ा चुके थे। तो मैं सफाई देना जरूरी नहीं समझती हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी सोच कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया है, जो आप किसी की आस्था को लेके, पूजा पाठ को लेके भी हिट कमेंट कर सकते हो। मुझे करो, मेरे घर के कामों को लेके करो, लेकिन पूजा पाठ में भी आप मतलब ऐसे बोल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सोच बहुत अच्छी हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट तो किया कम से कम, मुझे जो कुछ भी किया आपकी सोच आपने दिखा दी है यहाँ पे। और खाने वाली बात है तो देखिए, जितनी भूख लगेगी उतना तो मैं खाती हूँ, और अपना खाती हूँ, अपने पति देव का खाती हूँ, किसी और का तो खाती नहीं हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो ट्राई कीजिए। मेरा मकसद रहता है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और अभी तो होली भी आ रही है तो बहुत सारा मैं नाश्ता पानी भी बनाऊंगी, तो उसको भी आप लोग देखना, और हो सके तो आप लोग ट्राई भी करना, ठीक है। मेरा फर्ज है सिर्फ दिखाना, फॉलो करना आपके ऊपर है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो ये मुझे कमेंट का रिप्लाई करना था, मैंने कर दिया। बहुत सारे ऐसे एक दो ही बंदे हैं जो कि मतलब लगातार लगातार कमेंट मुझे किए जा रहे थे। संतोष कुमार हैं ये, कोई संतोष कुमार हैं जो कि मुझे कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे। ये किसी ने यहाँ पे बोला भी है, निधि शर्मा जी ने, कि बनाने में मेहनत भी तो लगती है, व्रत कितना काम, व्रत में कितना काम किया उन्होंने, उन्होंने मेरी साइड बोला भी है ये। सो थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसे लोगों को हम नहीं समझा पाएंगे भैया, उनकी सोच ही अलग है। ये कोई वंदना वर्मा जी हैं, इतनी भी जल्दी क्या थी, आधी रात को ही पहुंच गए भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। ये वंदना वर्मा जी ने कमेंट किया था मुझे। तो चलिए अभी मैं चाय पी ली हम लोगों ने, ये रखी है हमारी टीम अगर यहाँ पे जाते हैं अभी किचन में, थोड़े से बर्तन मुझे साफ करने हैं और बाकी के काम। तो एक मैंने रेसिपी शूट कर ली है, आलू फ्राइड राइस बनाया है, तो इसकी रेसिपी जाएगी शोरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे, अभी तो नहीं गई है, इस ब्लॉग के बाद मैं वहाँ पे शेयर करूँगी तो आप लोग देख लेना।
और अभी यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इसको मुझे ठीक करना है। तो ये जो स्टैंड है ये वाइट कलर का है, बहुत जल्दी इस पर डस्ट दिखने लग जाती है। बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, बट फिर भी ना इसमें जल्दी से डस्ट दिखने लग जाती है क्योंकि लाइट कलर है ना, इसलिए। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, जितना भी इसमें फेंकने वाला सामान है, हटाने वाला सामान है, वो मैं हटा देती हूँ। यार घर में कितना कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है समझ में नहीं आता, कितनी कोशिश करते हैं कि कम से कम चीज़ें रख के सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ की नहीं है उनको हटा दें, लेकिन फिर भी इनसे पूछती जा रही थी, नहीं तो फिर बाद में मुझे परेशान करते हैं, क्यों वो चीज़ कहाँ गई, तुमने फेंक दी होगी, तुमने फेंक दी होगी, बार बार मुझे ही ब्लेम करते हैं। मैंने बोला कि चलो मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि देखो क्या क्या हटाना है इसमें से, वही मैं हटाऊँगी। तो जो मैंने बड़ा सा पार्सल आया था ना, वो जिसमें इंडोर प्लांट आया हुआ था, एक लैंप आया है, तो वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। मुझे ये वाला बैकग्राउंड तैयार करना है, एक खाली खाली सा मुझे लगता था, लेकिन घर है, गृहस्थी है, तो एक एक करके ही हम अपने घर के लिए चीज़ें ले पाते हैं क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने दिवाली के टाइम पे सर्च किया था, बट तब से लेके अब मैं इनको ले पाई हूँ, तो चलो फाइनली आ गया ये मेरे पास में। मैंने बहुत दिन से ऐड कर रखा था कि नहीं मुझे ये सिर्फ लेना ही लेना है अपने घर के लिए, तो ले लिया फाइनली मैंने। और कैसा लगा आपको बताना। ओके गाइस, तो ये है मेरा न्यू बैकग्राउंड, और कैसा लगा आपको ये सेटअप बताइएगा ज़रूर। ये देखिए चेयर तो मेरी क्या डिसाइड नहीं है कि मैं कहाँ इसको रखने वाली हूँ, और ये भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाया करेंगे, लेकिन न्यू बैकग्राउंड अभी ये है। मैंने लैंप मंगाया है न्यू वाला, आप देख सकते हैं ट्राईपॉड है इसका, और ये देखिए ये ट्राईपॉड के साथ मुझे लैंप मिला हुआ है, और ये ऊपर वाला जूट का बना हुआ है, नीचे वाला ये वुडन है, और बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और ये मैंने एक बड़ा सा इंडोर प्लांट मंगाया हुआ है अपने लिए, तो अभी न्यू इंस्टाग्राम रील्स जो है ना वो इन्हीं के साथ बन रही है मेरी, न्यू चीज का जो एक्साइटमेंट होता है ना वही आप देख रहे हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ें अमेजोन से ही ली हैं, और यही आपको दिखाना था। तो अभी इसको भी मैंने स्टैंड को क्लीन कर दिया, इसको भी हमने अमेजोन से लिया था है ना, क्यों इसको भी लिया था अमेजोन से ना, तो इसको भी लिया था, बट इसको तो हमने दिल्ली में ही ले लिया था, इसको क्लीन कर दिया। व्हाइट कलर का है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। दिल्ली में आया था या यहीं पे? नहीं नहीं दिल्ली में आया था, दिल्ली में बहुत सारी रील्स बनाया मैंने इसके साथ में। अच्छा, वो अपन कॉर्नर से रखते थे बेड के साइड में ना। ये क्या होता है एकदम से आवाज आती है, ऊपर का गेट बंद होता था, बम फूट गया वो। तो ये है, ठीक है गाइस, कैसा लगा आप सभी को, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। अमेजोन से ली हैं दोनों तीनों चीजें, और मुझे व्हाइट वॉल चाहिए था, एक साइड तो आपने देखा ही है मैंने ग्रीन कलर का ग्रास लगाया हुआ है, एंड जो मेरा इस साइड का है वो मुझे व्हाइट ही रखना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल पर कुछ भी नहीं किया है। और ये है, कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, रात के बज रहे हैं 10:45, तो अभी यही मैंने एक दो रील्स भी तैयार किए हैं। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू टू ऑल।